लेटेस्ट और अपडेट न्यूज के लिए यूपी पुलिस लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर न्यूज का अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जज कैसे बने और जज की व्यक्तिगत योग्यता क्या होती है, इसके विषय में पूरे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल यूपी पुलिस लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके बाद बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा दी गई प्रक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, न्यायाधीश यानी जज कैसे बने। हमारे देश के संविधान में न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे कि वह कार्यपालिका द्वारा किए गए गलत कार्यों पर अंकुश लगा सके। इसलिए हमारे यहाँ जज का पद बहुत ही अहम होता है। उसके एक गलत निर्णय से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह पद अत्यंत जिम्मेदारी का पद है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति के बाद उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जज कैसे बने, इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे हैं। नंबर दो, शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थी को 12वीं की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद आपको BA LLB में प्रवेश मिल जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष है। इसके साथ साथ आप स्नातक की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण करके LLB के 3 वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर तीन, न्यायाधीश के लिए योग्यता। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। न्यायाधीश बनने के लिए अभ्यर्थी को 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो अथवा अन्य किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आयु 62 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। नंबर चार, प्रशिक्षण। न्यायाधीश को चयन होने के बाद उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें न्यायालय के परीक्षणों में भाग लेने, कानूनी प्रकाशनों की समीक्षा करने और पूर्ण अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद आपको एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। नंबर पाँच, न्यायाधीश के लिए व्यक्तिगत योग्यता। एक न्यायाधीश के रूप में आपको तथ्यों का मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। जज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें कानून के विषय में अच्छी समझ होनी चाहिए, जिससे वह उन नियमों को सही से पालन करवा पाए। न्यायाधीश के रूप में आपको सभी पक्षों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह से केस के मूल तत्वों में आकर अच्छा निर्णय दे सके। पढ़ना और लेखन क्षमता आप में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीशों को तथ्यों का मूल्यांकन करना होता है और उनके बीच अंतर करना होता है। लेखन क्षमता के माध्यम से वह केस से जुड़े सभी तत्वों को स्पष्ट तरीके से लिखते हैं और फिर संपूर्ण केस स्टडी के बाद उसका निष्पक्ष निर्णय देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।